उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही मुख्य राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। संभावित प्रत्याशी चाहे वे मेयर क्यों, पार्षद पद के दावेदार सभी अपने अपने क्षेत्रों में जनसंपर्क में जुट गए हैं। इसी क्रम में मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष शाने अली शानू अपनी टीम के साथ विभिन्न वार्डों का दौरा कर रहे हैं। बुधवार को उन्होंने महानगर के वार्ड नंबर 69 एवं वार्ड नंबर 11 में जनसंपर्क किया। इस दौरान शाने अली शानू मियां कॉलोनी निवासी समाजवादी पार्टी के सीनियर कार्यकर्ता आसिम एडवोकेट के घर भी पहुंचे, जहां उन्होंने उमरा करके वापस लौटे उनके वाली से मुलाकात की और उन्हें मुबारकबाद पेश की। इसके अलावा वे वार्ड नंबर 11 में भूरे सिंह जाटव के आवास पर भी पहुंचे और उनके साथ क्षेत्रीय नागरिकों से मुलाकात की। सभी से समाजवादी पार्टी के लिए वोट की अपील भी की गई। क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा महानगर अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम का जोरदार स्वागत किया गया, उन्हें फूलमालाओं से लाद दिया गया। इस दौरान समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव अमर रहे, अखिलेश यादव जिंदाबाद और आजम खान जिंदाबाद के नारे भी बुलंद किए गए। शाने अली शानू ने कहा कि ये समय बहुत सूझबूझ से काम लेने का है, किसी के भी बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी जिसे भी मेयर व पार्षद प्रत्याशी घोषित करे, एकजुट होकर उसके पक्ष में मतदान किए जाने की जरूरत है। इस मौके पर हारून पाशा, अब्दुल वदूद खान, शारिक कुरैशी, नाजर खान, राजेंद्र सिंह, डॉक्टर नासिर, रही मलिक, मोहम्मद आजाद, रईस अहमद वारसी, अब्दुल कादिर, हाजी इशरत, बिलाल पाशा, इंजीनियर रहमानुद्दीन एवं अकील सैफी सहित भारी संख्या में सपा नेता, कार्यकर्ता व क्षेत्रीय नागरिक मौजूद रहे।